तो हमने अभी देखा कि जो वास्तविक गैसें होती हैं वो सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर आदर्श गैस इक्वेशन को या जो गैसेस के नियम दिए गए हैं उनको पूर्ण रूप से पालन नहीं करती है। तो ऐसा क्यों होता है, यानी आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण क्या है? तो वास्तव में जो रियल गैसेस हैं उनका आइडियल गैस नेचर से जो डेविएशन हो रहा है इसका मुख्य कारण है गैस के अणुगति सिद्धांत की दो जो अभिधारणाएं हैं उनका दोषपूर्ण होना। और वो अभिधारणाएं क्या है, वो कंसेप्ट क्या है? तो हमने माना था कि अणुओं का जो स्वयं का आयतन होता है वो गैस के द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। एक तो हमने ये माना था, और दूसरा हमने ये माना था कि गैस के अणुओं के बीच लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो भी नगण्य होता है। तो वास्तव में ये दो अभिधारणाएं जो हैं वो गलत हैं। तो क्यों गलत है? तो देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया कि अणुओं का स्वयं का आयतन गैस के द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। वास्तव में ये केवल तभी संभव है जब दाब कैसा हो कम और ताप कैसा हो ज्यादा, मतलब प्रेशर आप बहुत लो रखें और टेम्परेचर हाई हो, तभी ये वाला कंसेप्ट मान्य है। क्योंकि इसी अवस्था में गैस के अणुओं का आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। पर यदि आप प्रेशर को बढ़ा देंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे और गैस द्वारा घेरा गया आयतन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब गैस के द्वारा घेरा गया कुल आयतन कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में गैस के अणुओं के आयतन को आप गैस के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं मान सकते। इसलिए ये जो अभिधारणा अणुगति सिद्धांत में दी गई वो कैसी हो गई, गलत हो गई। अच्छा, दूसरी अभिधारणा में कहा गया कि गैस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कैसा होता है, नगण्य होता है। तो ये कंसेप्ट भी केवल तभी मान्य है जबकि टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर कम हो। इस कंडीशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। दूर दूर रहते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच लगने वाला आकर्षण कैसा है, बहुत ही कम है, इसीलिए उसे हम उस कंडीशन में निग्लेक्ट कर सकते हैं। पर यदि आप प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर कम करते हैं तो बहुत हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैस का आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है और मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आए तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो जाते हैं, वो प्रभावी हो जाते हैं, है ना? क्योंकि हमने देखा था कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो उनके बीच की मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, और डिस्टेंस जितना कम होगा उनकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, R^6 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम प्रेशर को बढ़ा दें और टेम्परेचर को कम कर दें तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, और इतने पास आ जाते हैं कि उनमें ये आकर्षण बल लगने लगता है। तो उस समय हम इन आकर्षण को नगण्य नहीं मान सकते। तो इस तरीके की ये जो दो मुख्य अभिधारणाएं हैं ये दोषपूर्ण थी। इसी कारण हमारी जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती हैं। तो हमने देखा कि वास्तविक गैसें जो हैं सभी ताप और दाब पर आदर्श गैस नियमों का पालन नहीं करती हैं। उसका कारण भी हमने देखा कि जो इनका अणुगति सिद्धांत दिया गया उसकी दो अभिधारणाएं मुख्य रूप से गलत यहाँ पाई गई। एक तो कि गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, ये अभिधारणा गलत मानी। और दूसरा कि गैस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल नगण्य होता है, इसे भी गलत माना गया। तो सबसे पहले 1873 में जेडी वॉन्डरवॉल्स नाम के वैज्ञानिक ने अणुओं के आयतन और उनके बीच लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए आदर्श गैस समीकरण में दो संशोधन किए, जिसे हम वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन कहते हैं। और इन संशोधन के आधार पर जो वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन दी गई वो कुछ इस प्रकार थी। पहले जो हमारी आदर्श गैस समीकरण हम लिखें तो वो क्या था, पीवी इज इक्वल टू आरटी, ठीक है? और इन्होंने दो संशोधन किए, एक प्रेशर में और दूसरा वॉल्यूम में। तो इस आधार पर यदि हम एन मोल गैस के लिए करें तो पीवी इज इक्वल टू एन आरटी होता है,
और यहाँ पर पी ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी। तो इसे हम कहते हैं कितने एन मोल गैसेस के लिए है, इसलिए एन आर टी। तो ये इक्वेशन कहलाती है वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ प्रेशर में भी कुछ करेक्शन किया गया और यहाँ वॉल्यूम में भी कुछ करेक्शन किया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि इस इक्वेशन को हम एक मोल गैस के लिए लिखें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, यहाँ एन की वैल्यू वन हो जाएगी, इसलिए पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो ये एक मोल गैस के लिए वैन डर वाल्स इक्वेशन है। यहाँ p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, n नंबर ऑफ मोल्स है और a और b जो आपको नई चीजें यहाँ दिख रहे हैं, तो a दाब संशोधन यानी प्रेशर करेक्शन के लिए एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है और v जो है वो आयतन संशोधन के लिए एक नियतांक हमने लिया है जिसे हम वॉल्यूम करेक्शन कांस्टेंट कहते हैं। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वॉल्यूम करेक्शन है और क्या प्रेशर करेक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम करेक्शन यानी आयतन संशोधन की। हम मानते हैं कि हमारे पास एक मोल गैस है जिसका कुल आयतन कितना है, वी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वो रिक्त स्थान है जिसमें गैस के अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। चूंकि गैस के अणुओं के भी स्वयं के आयतन को हम नगण्य नहीं मान सकते हैं, वैन डर वाल्स ने उन्हें नगण्य नहीं माना, नेग्लिजिबल नहीं माना, इसलिए यदि हम कहें कि गैस के अणुओं का स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, विचरण करने के लिए जो स्थान है वो अब v ना होकर v से कुछ कम होगा, ठीक। वैन डर वाल्स ने माना कि यदि एक मोल गैस में उपस्थित अणुओं का कुल आयतन b है तो उन्हें स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए जो आयतन मिलेगा वो कितना होगा, वो होगा v माइनस b, ठीक। तो इस प्रकार यहां पर ये जो b है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, वर्जित आयतन है, जहां की जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो घूम नहीं सकते क्योंकि ये उनका खुद का आयतन है। तो इस तरीके से यदि हमको ये, इसको मैं आइडियल गैस इक्वेशन में आई से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर जो हमारा वी आई होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा वी माइनस बी के, है ना। इसे हम कहते हैं संशोधित आयतन यानी करेक्शन इन वॉल्यूम। अब ये जो b है आयतन संशोधन नियतांक, ये हर गैस का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है जिसका मान अणुओं के आकार पर निर्भर करता है और प्रयोगों द्वारा हम इसका मान कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा वॉल्यूम में करेक्शन। अब हम देखते हैं कि प्रेशर करेक्शन क्या था यानी दाब संशोधन क्या था। तो दाब संशोधन अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण किया गया, यानी कि वैन डर वाल्स ने माना कि जो गैस के अणु होते हैं उनके बीच का जो आकर्षण बल है उसे आप नगण्य नहीं मान सकते, वो कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है। तो यदि हम दाब की बात करें तो दाब क्या होता है, किसी गैस का दाब उसके मॉलिक्यूल्स के द्वारा उस कंटेनर की वॉल पर टकराने के कारण उत्पन्न होता है। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, तो यदि ये मॉलिक्यूल बीच में है तो इस पर क्या होगा, जो डिफरेंट आपके एटम हैं वो भी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, ये यहाँ अट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ अट्रैक्ट, मतलब जो गैस के दूसरे अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो भी इसको अपनी अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे। तो इस पर नेट अट्रैक्शन क्या होगा, जीरो होगा। पर यदि कोई मॉलिक्यूल गैस की दीवार पर है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो अणु होंगे
वो तो उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे, पर दीवार पर तो कोई अणु है नहीं, तो इस तरीके से इस साइड तो कोई अट्रैक्शन होगा नहीं, यानी कि इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो वो अणु जो दीवार से टकराने जा रहा है, चूंकि वो चारों तरफ से अणुओं से घिरा नहीं है, इसलिए जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, इम्बेलेंस्ड होगा, इसलिए वो अंदर की ओर आकर्षण महसूस करेगा, जिसके कारण उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और स्पीड कम हुई तो जो उसकी पात्र पर, पात्र की जो दीवाल है, कंटेनर की जो दीवाल है जिस पर वो टकरा रहा है, वो भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी वो कम स्पीड से टकराएगा, और कम स्पीड से टकराएगा तो उस पर जो प्रेशर होगा वो भी कम उत्पन्न होगा, यानी कि जो हमारा प्रेक्षित दाब है वो आइडियल प्रेशर से कम होगा। तो यदि आपको आइडियल प्रेशर प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका प्रेक्षित दाब है उसमें दाब संशोधन के आधार पर दाब को जोड़ना पड़ेगा। तो यदि हम कहें कि हमारा आइडियल प्रेशर पी आई कैसे प्राप्त होगा, जो आपका कैलकुलेटेड प्रेशर है वो पी है, और इसमें हमें दाब संशोधन यानी पी को जोड़ना पड़ेगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि टकराने वाले अणु पर लग रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या या उनके घनत्व के समानुपाती होता है और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इनमें यदि हम रिलेशन देखें तो ये जो आकर्षण बल है, यहां मैं लिखती हूं कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी ऑफ गैस, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और डेंसिटी को हम क्या लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो एक निश्चित मास की जो गैस है उसके लिए ये जो अट्रैक्शन फोर्स यहां पर लग रहा है वो फोर्स वॉल्यूम के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो यदि हम प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाएं और इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण दाब संशोधन हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक कांस्टेंट हम ले लेंगे ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए वी स्क्वायर। तो यहाँ ए क्या है, ए एक स्थिरांक है जिसे हम कोफिशियंट ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण गुणांक कहते हैं, और इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से यदि आप आदर्श दाब प्राप्त करना चाहते हैं तो पी आई क्या हो जाएगा, जो आपका प्रेशर आपने कैलकुलेट किया था प्रेक्षित दाब, उसमें आप क्या करेंगे, इस दाब संशोधन स्मॉल पी को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए अपॉन वी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी आई की जगह हम पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर लेंगे, और वी आई की जगह हम क्या लेंगे, वी माइनस वी। तो हमारी गैस इक्वेशन कैसी दिखेगी, यदि हम इसकी वैल्यू रख दें तो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और वी माइनस बी इजिकल टू आर टी। तो ये एक मोल गैस के लिए वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन हमको इस तरीके से मिलती है। तो हमने यहाँ देखा कि हमने दो प्रकार के करेक्शन किए, एक वॉल्यूम में करेक्शन किया और एक प्रेशर में करेक्शन किया, और इस आधार पर हमने जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन थी उसको चेंज किया। तो इस तरीके से हमको यहाँ वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन मिली। यदि आप इसे एन मोल गैस के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर एन का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स एन है, तो यहाँ ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा वी माइनस एन बी, और यहाँ हो जाएगा एन आर टी। तो देखिए ये हमको एन मोल गैस के लिए वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ पर मिलता है। तो इस इक्वेशन को हम वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इसे वॉन्डरवॉल्स नाम के साइंटिस्ट ने ड्राइव किया था। इसे वॉन्डरवॉल्स का अवस्था समीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी गैस के दाब, आयतन और परम ताप
तथा गैस स्थिरांक के बीच एक संबंध बताता है। यह समीकरण वास्तविक गैसों के व्यवहार को काफी अच्छे तरीके से निरूपित करता है। फिर भी बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर इसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, जो कि इसका एक लिमिटेशन है। तो ये हमारी वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन है।